Good morning, students. Today is 20th April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 10th lecture on topic number systems. So students, in the last lecture we have discussed first question of NCERT exercise 1.4. Now today we will discuss its second question. Okay? चलो आज सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.14 एनसीईआरटी पर. व्हाट इज योर क्वेश्चन? विजुअलाइज 4.26 रिकरिंग ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है एंड वी नीड टू विजुअलाइज 4.26 रिकरिंग. इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है तुम्हें? ये एक्चुअली 4.26 और उस पर रिकरिंग है, मतलब 2626 इस तरह से रिपीट होगा ये. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू विजुअलाइज दिस ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. मतलब अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 1, 2, 3, 4. मतलब तुम्हें सिर्फ 4.2626 इतना ही विजुअलाइज करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एट फर्स्ट वी विल कंसीडर अ नंबर लाइन. सी फर्स्ट डिजिट, इट इज 4.2. फर्स्ट प्लेस तक ही देखना पहले, 4.2. तो ये आइडिया लग रहा है कि ये 4 और 5 के बीच है, 4.2. तो यहाँ पर आप 4 लिखो, यहाँ 5 लिखो. देखो ये 4.1, 4.2, ओके, देन 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9. सो तुम्हें क्या चाहिए? 4.26. तो 4.2 और 4.3 यहाँ आ गया. बाकी का नेम भी आप लिख सकते हो. ये 4.4 है, 4.5 है, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9 एंड देन 5. ओके, दिस इज 4.9. नाउ वी कैन सी कि 4.26 4.2 से ग्रेटर है और 4.3 से लेस है. इट इज़ ग्रेटर देन 4.2 बट लेस देन 4.3 बिकॉज वी आर नॉट हैविंग 4.3 हियर. इज इट क्लियर ना? 4.26, सो इट इज़ ग्रेटर देन 4.2 बट लेस देन 4.3. सो इन ऑन नेक्स्ट नंबर लाइन 4.2 लो और 4.3 लो. देन अगेन वी विल फॉलो सेम टेक्निक. 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 and 4.30. What actually is this? 4.30 and this is 4.20. So 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, okay na? 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 and 4.30. ओके, सो 4.20 टू 4.30. एक्चुअली ये 4.20 है, ये 4.30 है एंड इन बिटवीन दिस इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लोगे. अब आप देखो 4.26 है, ठीक है? तो 4.2 तक तो हम लोग आगे थे. 4.2 और 4.3 के बीच में 4.26 देखना है. 4.26 यहाँ आ गया एंड सो दिस नंबर 4.2626, दिस इज ग्रेटर देन 4.24, दिस इज ग्रेटर देन 4.26. देखो ये 4.26 से बड़ा है बट 4.27 से छोटा है, क्योंकि ये 4.27 नहीं है तो 4.26 भी नहीं है. 4.26 से ग्रेटर है, 4.27 से लेस है यहाँ पर. तो फिर हम इसको 4.26 एंड 4.27 लेते हैं. देन अगेन 4.261, ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? 4.260 होता है ये, 4.270. तुम्हें पहुंचना है 262 तक. तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 265, 266, 267, 268, 269 एंड लाइक दिस. ठीक है, ये देखो ये 4.261 और ये जो पोजीशन है वो 4.262, इसके ऊपर 4.26, 4.263 एंड सो ऑन लाइक दिस. तो हमें तो अभी क्या चाहिए? 4.262. This number is greater than 4.262 but less than 4. what
व्हाट वैकेंसी, नहीं आगे बढ़ो अभी, 4.263, 4.264, 4.265, हमें कहाँ तक पहुँचना है इसमें, 4. ठीक है ना, इस तरह से नंबर जा रहा है। तो तुमको 4.262, ये 4.3 डिजिट तक देखना है, 4.262। तो सिर्फ अगर हम 3 डिजिट तक बात करें, इफ़ यू विल कंसिडर अप टू 3 डिजिट ओनली, सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 4. दिस नंबर इज़ 4.262 बट नॉट 4.263। तुम 3 डिजिट तक बात करोगे तो ये 263 तो नहीं है, 262 है और उसके आगे कंटिन्यू जा रहा है। दैट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 4.262 बट लेस देन 4.263। बात समझ में आ रही है? तो फिर आप आगे लेना 4.262 और यहाँ पर 4.263। तो हम 3 डिजिट तक तो हम पहुँच गए हैं, 262 तक। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, 2621, 2622, 2633, मतलब 4.2623, 4.2624, 4.2625 एंड दिस इज 4.2626। देन 4.2627, 4.2628, 4.2629, दिस इज 4.2621 एंड योर दिस प्लेस इज 4.2622 एंड लाइक दिस। सो हमें जो चाहिए था, ये देखो ये 21 है, ये 22 है, ये 23 होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे, जगह कम है, 4.2623, दिस वन इज 4.2624, दिस इज 4.2625 एंड डॉट डॉट कर दो, सो दिस इज योर नंबर 4.2626। ओके, आप चाहो तो इसको और नोटबुक में यहाँ से यहाँ तक लेंथ ले करके और बिल्कुल बड़े बड़े दिखा सकते हैं, मैंने आपको ये आइडिया दे दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी ऐसे, ये 4.2 और दिस इज 4.3, तो 4.3 पर आप ऐसे कनेक्ट कर दो इसको। देन हमने लिया 4.26, तो 4.26 पर एंड 4.27, ये देखो 4.27 है। देन वी हैव कंसिडर 4.262 एंड 4.263, ऐसा कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज एक्चुअली द मैग्नीफिकेशन प्रोसेस ऑन नंबर लाइन। दो नंबर्स के बीच को और मैग्नीफाई किया और मैग्नीफाई और मैग्नीफाई करने के बाद फाइनली वी हैव दिस पोजिशन 4.2626। इस तरह से तुम 4 प्लेस तक रिप्रेजेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन में। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, वी विल डिस्कस सम कंसेप्ट्स। अब हम लोग कुछ और कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तक जो तुमने पढ़ा कि रेशनल नंबर जो दो तरीके के डेसिमल फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और एक जो थर्ड काइंड है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो कई सारे इरेशनल नंबर्स हमने देखा, रूट टू है ना, रूट थ्री, रूट फाइव एंड लाइक दिस। तो नाउ व्हाट यू विल सी, वी विल कंसिडर सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड सी व्हाट विल हैपन। सो सपोज आई एम कंसिडरिंग वन रेशनल नंबर 2 एंड वन इरेशनल नंबर रूट 3, सो 2 प्लस रूट 3, इन दिस नंबर 2 इज रेशनल, रूट 3 इज इरेशनल। नाउ वी हैव टू डिसाइड एज ए होल वट इज 2 प्लस रूट 3, रेशनल और इरेशनल। तो कैसे डिसाइड करोगे? तो तुम्हें तो सिर्फ यहीं पर ध्यान देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब देखो 2 है, उसमें रूट 3, तो रूट 3 तो इरेशनल है ही, ये तो हमें पता है, 2 रेशनल है, रूट 3 इरेशनल है। तो रूट 3 कैसा होगा, रूट 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कोई नंबर आप 2 ऐड करोगे तो एज ए होल रिजल्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, क्योंकि ये है 2.0।
और रूट थ्री को सपोज हमने लिखा 1.732 और इसके आगे भी कुछ डिजिट्स आते रह जाएंगे, तो आप ऐड करोगे जब इनको ऐड करोगे तो डेसिमल के राइट साइड में ये एडिशन हमारा क्या बताएगा, ये एडिशन हमारा बताएगा कितना नॉन टर्मिनेटिंग चलता चला जाएगा एज ए होल। तो एज ए होल ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को फॉलो करेगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सिमिलरली मान लो तुमने लिख दिया 4 -√5, तो रेशनल माइनस इरेशनल ये भी सेम लॉजिक से, चूंकि √5 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, 4 से माइनस करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद का कैरेक्टर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, तो हमारा जो 4 -√5 है वो भी कैसा आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल। तो ये तुम ऐसे याद भी रख सकते हो कि रेशनल और इरेशनल का सम मतलब एडिशन, और रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस, जैसे ये डिफरेंस है उसका आउटपुट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख के डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक बात और समझ लेते हैं। मान लो कोई नंबर 2 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, तो रिजल्ट कितना बनेगा, 2√3। या मान लो कोई नंबर है 7, उसको मैंने डिवाइड कर दिया √5 से, ठीक है, तो 7/√5 है ये, ठीक है। एक नंबर तो ये है, दूसरा है 7/√5। √5 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, तो इरेशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिपीटिंग होगा। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, तो ये भी इसकी वजह से, तो ये भी इरेशनल हो गया। और 2 को आप इरेशनल इंटू इरेशनल करोगे, √3 हमारा कैसा है, √3 इरेशनल होने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एज ए होल ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया है, इरेशनल नंबर हो गया है। तो एज ए होल क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट और डिवीजन या क्वोशेंट बोलो, टेक्निकली डिवीजन को क्वोशेंट के नाम से बुला सकते हैं, तो प्रोडक्ट और क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ, यहाँ एक टर्म लिखना पड़ेगा हमें, नॉन जीरो, अगर जीरो कंसिडर कर लेंगे तब तो आउटपुट जीरो आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, तो यहाँ नॉन जीरो लिखना है, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल, इज इक्वल्स टू इरेशनल, ठीक है ना। तो ये हमारा एक दूसरा कंसेप्ट डेवलप हो गया कि अगर आप रेशनल इंटू इरेशनल करते हैं तो आउटपुट इरेशनल आएगा, रेशनल अपॉन इरेशनल करते हो तो आउटपुट इरेशनल आएगा, रेशनल प्लस इरेशनल करते हो तो आउटपुट इरेशनल आएगा, और रेशनल माइनस इरेशनल करते हो तो आउटपुट इरेशनल आएगा। ओके सो अब तक तुमने जो लेक्चर देखा है, आप एक काम करना, आज ये 10th लेक्चर है, इससे पहले के सभी लेक्चर्स आप एक बार सीक्वेंस में देख लेंगे। आज मैं कुछ होमवर्क पोस्ट करूँगा जो 9th लेक्चर तक बेस्ड होगा, तो उसको सॉल्व करने में तुम्हें मदद मिलेगी, हेल्प होगा अगर आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लोगे तो। ओके फाइन, सो प्लीज़ वॉच ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, टुडे आई विल पोस्ट सम होमवर्क अप टू 9th लेक्चर। ओके थैंक यू।